बहुचर्चित सपा विधायक जवाहर हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में करवरिया बंधुओं सहित एक अन्य को हत्या का दोषी करार दिया है। हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को दोषी करार दिया गया है। 4 नवंबर को ट्रायल कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। जवाहर पंडित की 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच AK-47 से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि हत्याकांड में विधायक की पत्नी की ओर से सिविल लाइंस थाने में करवरिया बंधुओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। सिविल लाइंस थाने के बाद मुकदमे की विवेचना CBCID ने भी की और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। मुकदमे के दौरान कुछ साल तक हाई कोर्ट स्थगन आदेश के चलते केस की सुनवाई भी नहीं हो सकी थी। मामले के हमारे पति थे सिविल लाइन में AK-47 से, पहली बार AK-47 इलाहाबाद में चली और जो जोशी थे वो नामजद थे, वो आज हमें न्याय मिला, न्यायालय से सजा हुई है। अब मुझे आगे भी उम्मीद है इस अदालत पे कि मुझे न्याय मिलेगा। आगे लोग चैलेंज करेंगे तो उसमें आगे भी जहाँ भी उस चैलेंज करेंगे हमको भी अदालत के गेट हम खटखटाएंगे, हम भी आगे। क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिल गया? हमें उम्मीद है, भरोसा भी है कि हमें न्याय मिलेगा। जवाहर पंडित हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी आरोपी थे। सपा विधायक जवाहर यादव की हत्या 23 साल पहले 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच AK-47 से गोलियां बरसाकर की गई थी। सपा विधायक जवाहर पंडित के साथ ही उनके ड्राइवर गुलाब यादव और एक राहगीर कमर कुमार दीक्षित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि विधायक पर हुए हमले में पंकज कुमार श्रीवास्तव और कल्लन यादव घायल हो गए थे। हाँ, 4/11 को निर्णय होगा। इसमें मुलजिम जो है उदय भान करवरिया, कपिल मुन करवरिया, रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू, सूरज भान करवरिया, जिनके खिलाफ आरोप विचित किया गया था, उनको धारा 147, 148, 302, 307 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोष सिद्ध किया गया है और अभियोजन अपना केस साबित करने में सफल रहा।